तो आज हम आए थे जे ऑटो करोलबाग फिर से एमएक्स। आज आपको एक्सयूवी 700 बेस मॉडल दिखाने वाले हैं। महिंद्रा में आपको ये मिलेगा जो मैंने लगाया है, टॉप मॉडल में जो आता है। प्राइसिंग की बात करें तो 6,500 रुपए फॉग लाइट है, डबल प्रोजेक्ट है 14,000 रुपए फॉग लाइट है। और किसी को हेडलैम्प्स चाहिए डीआरएल वाली 28,000 रुपए हेडलाइट, 17 इंच में रिम आता है, 17 इंच में रिम चेंज करके दिया हूँ। ठीक है, ये हमने एक ओरिजिनल डब्बा पैक। प्राइसिंग की बात करें तो 42,000 साइड मिरर लग गए, 12,500 की साइड मिरर। ठीक है, 12,500 में हमने ये मिरर इंस्टॉल करे। ये देखो फोल्ड हो गया, जैसे लॉक करोगे अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो गया। मैं कंट्रोल्स मैट आता था वो भी लेफ्ट साइड ऑडियो के कंट्रोल्स, और राइट साइड नहीं आता था तो राइट साइड हमने कंट्रोल्स 17L वाले इंस्टॉल करे। ये वाला आपका रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये रिप्लेस करा हुआ हमने फुल। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जे ऑटो करोलबाग फिर से एमएक्स। ठीक है, फिर से आज आपको एक्सयूवी 700 बेस मॉडल दिखाने वाले हैं। और बेस मॉडल में अच्छा खासा काम हुआ है, इतना भी अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब एक मेजर जो चेंजेस करने पड़ते हैं। बट जो काम तो अच्छा हुआ, बट इसमें 2-3 चीजें हमारे खा गया। हेडलाइट है, पीछे की वाइपर। ठीक है, एक सिक्वेंशियल इंडिकेटर, मतलब ये चीजें लग जाती है। मेरे पास स्टॉक फुल है, जो चाहोगे मिल जाएगा। ठीक है, अपने पास स्टॉक। चलो काम की बात करते हैं भैया ने। स्टॉक हेडलाइट के अंदर इसमें लो बीम हाई बीम, इसमें एलईडी इंस्टॉलमेंट करवाए हैं। ठीक है, हैलोजन के साथ आती है एमएक्स के अंदर, और X3 के अंदर भी। X3 में भी हैलोजन आता है, बस फर्क होता है X3 में डीआरएल होता है और एमएक्स में हैलोजन और डॉट डीआरएल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो नीचे फॉग लैंप वगैरह हमने लगाई है इसके अंदर, महिंद्रा जेन्युइन फॉग लाइट। डबल प्रोजेक्टर चाहिए जो आया होगा मैक्सपेट का, वो भी चाहिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें हमें ब्रांड डबल प्रोजेक्टर आफ्टर मार्केट में भी मिल जाएगा, और जेन्युइन महिंद्रा भी मिल जाएगा। जेन्युइन महिंद्रा में आपको मिलेगा जो मैंने लगाया हूं, टॉप मॉडल में जो आता है। ठीक है, प्राइसिंग की बात करें तो 6,500 रुपए फॉग लाइट है, डबल प्रोजेक्ट है 14,000 रुपए फॉग लाइट है। ठीक है, और किसी को हेडलैम्प्स चाहिए डीआरएल वाली 28,000 रुपए हेडलाइट। ठीक है, 28,000 में मिल जाएगा, बट उसमें एलईडी आपको उसमें भी अलग से अपग्रेड करवाना होगा। ठीक है, एलईडी का चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको, हैलोजन के साथ स्टार्टिंग होता है। आपकी बजट वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लगवाते हो। ठीक है, बाकी एक इसमें आपको एबीएस कार्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फ्रंट में हमने एबीएस किट आज इसमें लगाया, दिखाया ब्लैक एंड सिल्वर। ठीक है, ब्लैक एंड सिल्वर, एक रेड भी आता है इसमें। बिल्कुल, तो फ्रंट से इसमें और चेंजेस की कुछ जरूरत पड़ती नहीं है इतनी। एक इसके एसेसरीज किट आता है सैटन सिल्वर का। ठीक है, वो पैकिंग आता है सैटन सिल्वर वाली, यहां पे आती है, यहां भी लग जाता है। हां ठीक है, वो भी लगवा सकते हो, अपने पास अवेलेबल है, चाहिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो साइड से दिखाते हैं। साइड की बात करें तो सबसे पहले आपको 17 इंच में रिम आता है, 17 इंच में रिम चेंज करके दिया हूँ। ठीक है, ये हमने एक ओरिजिनल डब्बा पैक। प्राइसिंग की बात करें तो 42,000 रुपये रिम वहाँ पे रखा हुआ, देखो आप। ठीक है, ये देखो रिम्स इसके उतरे हुए यहाँ पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इस सेम टायर में लगा 17 इंच स्टॉक टायर में लग जाता है। अगर 18 इंच में जाते हो तो पूरा टायर का भी सेटअप चेंज, टायर भी चेंज करना पड़ता है। 17L वाले भी अवेलेबल है, X5 वाले अवेलेबल है। कुछ दिनों में आपको ब्लैक वाला भी मिलेगा जो नया मॉडल। ठीक है, फेस लिफ्ट में अब ब्लैक आ रहा है 18 इंच में, वो भी अपने पास मिलने वाला। तो साइड से तो दिखा दिया हमने, आपका बजट अच्छा है वैसे, X5 वाले अलॉयज बढ़िया है आपके सेम टायर में लग जाते हैं। बात करो तो देखो कंपनी की जो ओरिजिनल 17 इंच 18 इंच है तो वही ज्यादा बेटर है। ठीक है दिलीप भाई, एक बार प्राइस फिर से रिपीट कर दो। 42,000 रुपए 42,000 में हमें मिल जाएंगे ये, और 18 इंच में आता था 54। तो साइड से और इसमें क्या करा हुआ है, फुटरेस्ट लगा है। इसमें साइड फुटरेस्ट आफ्टर मार्केट डिजाइन है। ठीक है, आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट की थोड़ी सी थिकनेस कम है, थोड़ी सी कम है। महिंद्रा ओरिजिनल में जाता है तो थोड़ी इसकी लेंथ 1 इंच बढ़ जाता है, यहाँ तक की आ जाती है, थोड़ा सा लंबा आता है। बिल्कुल, जो अपना ओरिजिनल मजबूत भी होते हैं क्योंकि ओरिजिनल भी होते हैं। प्राइसिंग की बात करो तो 21,500 और 9,000 रुपए। ठीक है, 9,000 और 21,500। बिल्कुल, मतलब फर्क हो जाता है सिर्फ प्राइसिंग में, देखो 21,500 मतलब 21,500 और 9,000। ठीक है, तो प्राइस डिफरेंस काफी आ जाता है, डबल से भी ज्यादा। ठीक है, फुट रहे उसी पैसों में कुछ और भी चीजें लगवा सकते हो आप। वैसे इस एक बार खड़े होकर दिखाना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ये भी रहता है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और वो पैसे बच गया तो आपका साइड मिरर लग गया ना। ठीक है, साइड मिरर लग गए, 12,500 की साइड मिरर। ठीक है, 12,500 में हमने ये मिरर इंस्टॉल करे हुए हैं। ये फोल्डिंग नहीं आता इसके अंदर, एडजस्टमेंट आता है। और फोल्डिंग की बात करो तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फोल्डिंग दिखा देते हैं एक बार। ये देखो फोल्ड हो गया, स्विच से फोल्ड हो गया अपना, ये अनफोल्ड हो गया। और एक इसमें रिले भी डलता है। ठीक है, और जैसे अपना की से करना चाहते हो तो की से भी हो जाएगा। तो ये देखो फोल्ड हो गया, जैसे लॉक करोगे और अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसके लिए एक बस रिले ऐड ऑन करना पड़ता है। बिल्कुल, तो आपका मिरर लॉक, घर जाओगे तो लॉक अपने आप हो जाएगा। एक इसमें मिलेगा आपको महिंद्रा जेन्युइन डोर वाइजर विद लोअर विंडो गार्निश। ठीक है, पूरा ओरिजिनल सेटअप है, पूरी ओरिजिनल सेटअप है,
महिंद्रा की ओरिजिनल कॉम्बो। और साइड बीडिंग नहीं लगी? साइड बीडिंग आपको चाहिए मिल जाएगा, ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर मार्केट मिल जाएगा, बट अगर आप ओरिजिनल दोनों जाते हो तो बीडिंग में भी आप ओरिजिनल में जाना पड़ेगा। इसमें जो सैट एंड सिल्वर का थीम आता है जो अपनी एक्सयूवी में वो काफी अच्छा लगता है, क्रोम वाला थोड़ा सा बेकार लगता है, इसमें अच्छा नहीं लगता। क्रोम वाला क्या होता है, कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिनों में जाकर उसमें जो रस्टिंग पकड़ता है ना, फिर जाके आपको बेकार, उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ ही जाती है। क्रोम है तो पकड़ना ही पकड़ना, आज नहीं कल बाद 6 महीने बाद। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको ये, क्योंकि सैट एंड सिल्वर है मैट फिनिश के अंदर। ओरिजिनल आपका एक बार लगेगा बढ़िया लगवा रहा हूँ ज्यादा बेटर। ठीक है, तो साइड की लुक आप देख सकते हो कैसी आ रही है अलॉयज लगने के बाद। बिल्कुल, तो साइड से तो इसको कहीं से पता नहीं लग रहा कि एम एक्स वेरिएंट है। बिल्कुल, AX5 तक तो बोल सकते हैं साइड लुक से। एक इसमें स्मार्ट हैंडल लगवाना चाहते हो भी लग जाएगा। ठीक है, स्मार्ट डोर हैंडल भी इंस्टॉल। प्राइसिंग की बात करें तो 45,000 का रेट था, अब थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्काउंट मिल रहा है 45 से, अब थोड़ा प्राइस कम हो रहा है स्मार्ट डोर हैंडल्स लगवाने। तो एक बार बैक से दिखा देते हैं। बैक की बात करें तो सबसे पहले 1.7L की बैजिंग दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो 1.7L, सब में L लगा रहे हो आजकल। L नहीं है, देख लो वाइपर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बैजिंग चेंज करी हुई है हमने। बैजिंग सारा काम जैसे हुआ है जैसे लोलो डाला, तुमने 1.7L की बैजिंग लगा के दी है। ठीक है, अगर आपको वाइपर वर्किंग करवाना आप वो भी करवा सकते हो। वाइपर वर्किंग करवाते हो तो आपको ग्लास भी चेंज करवाना होगा, डिफॉगर वाला। ठीक है, पूरी कॉम्बो कम्प्लीट होता है। ठीक है, ऊपर शार्क फिन एंटीना लगाया हुआ लग गया हुआ। तो बैक से एक ऑप्शन है सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी आप लगवा सकते हो अगर आपको लगवाना। एक बार बैक के ABS गार्ड की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये देखो रिफ्लेक्टर भी लगाया हुआ है इसमें, रिफ्लेक्टर भी लगा देखो। ये देखो रिफ्लेक्टर और बैक की क्वालिटी ये कुछ रहने वाली है। XUV 700 की ब्रांडिंग भी लिखी जाती है। एक इसमें कैमरा भी लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैमरा देखो हमने इसके अंदर ब्लॉपंग यूज़ करा है, कैमरा है, बट कोडिंग भैया ने नहीं खुलवाया, हमारे पास ऑप्शन है कोडिंग आप यहाँ पे खुलवा सकते हो। भैया को मैंने बताया भी था कोडिंग खुलवा सकते हो, तो भैया कह रहे नहीं मेरे कंपनी में पैसे थोड़ा जमा, मैं वहीं से खुलवा लूँगा। ठीक है, आप करवा सकते हो, अब हमारे पास आ गया। अब टेंशन मत लो भाई, अगर भूल गए हो तो डायरेक्ट आपकी कोडिंग हम खोल के दे देंगे। बिल्कुल ठीक, तो बैक से यही करा है। बिल्कुल, तो एक बार आपको डोर पैनल से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस करा हुआ है इसमें। सबसे मेन इसमें लेदराइट करा हुआ है पूरा, ये लेदर राइट हो गया अपना, ये अपना सॉफ्ट टच हो गया, सॉफ्ट टच भी करा हुआ है इसके अंदर। इसमें दो चीज, इसमें दो तीन चीज में मिसिंग है, इनर हैंडल स्विचेज और हजार्ड लाइट है। ठीक है, इसमें प्लेट चेंज करी है लेकिन स्विचेस चेंज नहीं करे, लेकिन ये अगर बजट के अकॉर्डिंग ही आपको जो आपको सूट करेगा वो करके दे देंगे। सारा ऑप्शन है जो आप बोलोगे लग जाएगा। एक चीज में इसमें और लगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, K4 इसमें एम्बियंट लाइट है। ठीक है, एक बार मैं प्लग करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी नहीं हुआ, अब होगा। ये देखो K4 एम्बियंट लाइट है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग मोड में इसमें ऐसा कुछ आता है, अब सिंगल कलर हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। K3, और XUV 700 में जो फिटमेंट आती है इसकी, ऐसा लगता है कि OEM ही आई है। देखो हमारे भाई साहब जो XUV 700 वाले कहीं भी फंस जाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी दुकानदार यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, और लगा तो देते हैं, बट लगाते लगाते क्या होते हैं, LP की जुगाड़बाजी करते करते हमें निशान आ जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो हमारे में देखो कोई भी आपको निशान नहीं नजर आएगा। ये देखो, तो अपने प्रोफेशनल होते हैं सारे वर्कर्स, तो कहीं भी आपको स्क्रू ड्राइवर का कुछ निशान नहीं दिखेगा इसके अंदर। उसके साथ लगा दिया महिंद्रा जेन्युइन इसमें स्कफ प्लेट, जो पूरी PC रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये पूरा रिप्लेस करते हैं हम, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, ये पैनल निकल जाता है और आपका प्लग एंड प्ले हो जाता है ये। उसके साथ इसमें डाला अपना 90 फ्लोरिंग करी हुई है पूरी गाड़ी में, वाटरप्रूफ। उसके बाद हमने मैट्स 90 मैट्स इंस्टॉल करे हुए हैं। तो दिलीप भाई एक बार उस साइड से आ जाओ, एक बार अंदर से दिखाते हैं अंदर से क्या क्या चेंजेस करा हुआ है। सबसे पहले इंटीरियर दिखाऊंगा। ये सीट कवर के साथ जो लग्जरी लाइन है, इसमें अपना क्लॉथ वाला आता था उसके ऊपर हम सीट कवर की रिक्वायरमेंट होती थी। देखो कहीं से भी इसमें रिंकल आप दिखा दो, कहीं से भी कुछ दिखाओ आप। ठीक है, ये फिटमेंट रहती है अपनी, और ये वाले साइड भी देख थोड़ी सी हमारे 120-700 वाला भाई थोड़ी सी थोड़ा कलर के चक्कर में थोड़ी इधर उधर भटक जाते हैं। अरे सेम ही है, बस सेम नहीं होगा भैया, 200% की गारंटी दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई कम प्राइसिंग में यही दिखा रहा है तो वो फेक वाला कपड़ा है। खाली दिखा दो, मेरे क्वालिटी से मिला लो, आपको सीट कवर मैं आपको फ्री दूंगा। ठीक है, वो कपड़े में फर्क होता है, डिजाइन बेशक सेम हो, कपड़े में फर्क है, कलर मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, वो लो बजट वाली क्वालिटी होती है। एक बार बैक सीट्स भी दिखा मार्केट के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत से अपने व्यूअर, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ी एक बार आके बस सीट कवर में दुकान पे आके देखो, जज करो, उसके बाद। ठीक है, इसमें हमने पूरे 11 पीस करे हैं सॉफ्ट टच, 11 पीस सॉफ्ट टच होगा, और जो भी होगा प्रॉपर तरीके से होगा, ये नहीं टेढ़े मेढ़े कहीं सिलाई जा रहा है, उल्टे पुल्टे हो रहा है, जो होगा प्रॉपर होगा। ठीक है, एक बार फ्रंट का व्यू दिखाते हैं। तो इंटीरियर में आ चुके हैं, सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील दिखाएंगे। स्टेयरिंग व्हील ऐसा नहीं आता AX5 मॉडल तक भी, बिल्कुल भी नहीं आता है। और क्या क्या चेंजेस हमने करा हुआ है वो दिखाते हैं अब आपको। सबसे मेन स्टेयरिंग रैप करा हुआ है हमने। मेन तो सबसे पहले इसकी स्टिचिंग देखो और इसकी पूरी जो सिलाई देखो।
ठीक है, कहीं से भी ऐसा लग रहा है जो कहीं से जुगाड़ बजे, ऐसा लग रहा है जो एक OEM जो लुक आता है ना आपके सामने है। तो ये देखो, ये हमने पूरा एग्जैक्ट पूरे फिटमेंट के साथ करा, जहाँ से अपने कंट्रोल्स होते हैं, इसे फुल बोलना पड़ता है। फुल बहुत भैया, तो यहाँ यहाँ तक कर देते, फुल हो गए, फुल हो गए, फुल देखो कहाँ तक, फुल यहाँ तक ज्यादा पूरा अपना कवर होता है, यहाँ अंदर तक जा रहा है, ठीक है, पूरा टक इन करके प्रॉपर देखते हैं फिटिंग के साथ। और इसमें कंट्रोल्स मैट आता था, वो भी लेफ्ट साइड ऑडियो के कंट्रोल्स, और राइट साइड नहीं आता था, तो राइट साइड हमने कंट्रोल्स 17L वाले इंस्टॉल करे। बिल्कुल, और नीचे की जो MID था ऊपर अपना वर्किंग मिला, ठीक है, यहाँ से MID कंट्रोल करना पड़ता था, अब वहाँ से डिस्कनेक्ट करके हमने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया। ये देखो, बिल्कुल आप इजीली यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, और सिलेक्शन वगैरह करना आपको, आप यहीं से ही जाके सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हमने और ये वाला पार्ट हो गया अपना हाइड्रोडिप फ्रेम, हो गया हाइड्रोडिप, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो गया हाइड्रोडिप, ठीक है, ये हाइड्रोडिप करा, आज हमने रिप्लेस क्यों नहीं करा, जब भैया करा ये भी हाइड्रोडिप, ये भी तो भी करवा लिया, ये वाला आपका रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ये रिप्लेस करा हुआ है हमने फुल। अगर एयरबैग वाला चाहिए वो जो लिखा आता है वो भी मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला हमने रिप्लेस करा हुआ है पूरा, इसमें मैट ब्लैक में आता था, बिल्कुल MX वेरिएंट के अंदर सेंटर स्पीकर लग गया हुआ है, ठीक है, सेंटर स्पीकर हमने यहाँ इंस्टॉल करा हुआ है, तो वो भी लगवा सकते हो, छोटी चीज लगवा सकते हो, सोनी का सैश भी लगवा सकते हो, ठीक है, सोनी का सैश, वो अपना ऑफर है अभी भी ऑफर है, ठीक है, तो हमने ऑफर दे रखा है। तो ये वाला सेंटर में जो AC है 17L वाला भी लगवा सकते हो, लगवा सकते हो, AX7L में अपना सिल्वर टोन आ जाता है, सैटन सिल्वर वाला, सैटन सिल्वर आता है वाला, ठीक है, यहाँ से बाउंड्रीज से वो सैटन सिल्वर होता है, थ्री पीस में आता है वो भी अपना, बिल्कुल। और ड्यूल USB अगर लगवाना हो तो वायरलेस चार्जर सारे लगवा सकते हो, ठीक है, सारी चीज हम लगवा सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसका जो फ्रेम है ये पियानो ब्लैक करने के बाद बड़ा बड़ी स्क्रीन लगती है, वरना हाँ। मैट फिनिश में तो ये लगता ही नहीं था, छोटी सी स्क्रीन लगती थी। उसके बाद इसमें आप एक ऑप्शन है 360 लगवा सकते हो 12 इंची की स्क्रीन के साथ, ठीक है। और ये जो है ये देखो लेदराइट है, फिटमेंट देखो एकदम एग्जैक्ट है, और एम्बियंट लाइट की फिटमेंट भी देख लो, जो होगा प्रॉपर तरीके से मिलेगा, ये नहीं जो गाड़ी पकड़ लिया जैसे मर्जी करके भेज दिया, ठीक है, काम करवाओ कहीं भी करवाओ अच्छे से करवाओ। वायरलेस चार्जर भी लगवाना हो लगवा सकते हो आप, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, मतलब एक हमें दिखाना था कि कम बजट का काम 17 इंची का एलॉय डल गया इसमें, महिंद्रा ओरिजिनल डब्बा पैक, ठीक है, मोस्टली भैया ने एलॉयज ही लगवा लिया, वही मोटी मोटी कॉस्टिंग ले गया भैया की, ठीक है, बाकी इसमें चारों ओर डैम्पिंग भी हुआ है, ठीक है, डैम्पिंग हुआ है जोटम की, डबल लेयर गोल्डन सीरीज लाइफ टाइम वारंटी वाली, ठीक है, और स्पीकर वगैरह में अपग्रेड कुछ करा भैया? थोड़ा सोच रहे थे, फिर बाद में करें, मैं बाद में करवाऊंगा थोड़ा, ठीक है, इन फ्यूचर वगैरह वो करवा सकते हैं। बाकी यही सारा काम करा था हमने एक्सयूवी के अंदर, तो एक बार कस्टमर का फीडबैक भी ले लेते हैं, वो तो भैया मैंने, वो तो जरूरी है, वो तो मोस्टली हम ट्राई करते हैं, बनाने से नहीं मिलता होता है, कस्टमर रिव्यू डालो लास्ट में, रिव्यू मैटर करता है, जो कस्टमर खुश होकर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बहुत क्या करते हैं वीडियो बना लिया, कस्टमर के रिव्यू भी नहीं ले रहा, कस्टमर के रिव्यू ले भी रहा है, क्या मिला पॉइंट नहीं मिला, बाद में कट करके हटा देते हैं, ठीक है, रिव्यू गायब कर देते हैं, तो रिव्यू मेन होता है वीडियो, मोस्टली हमारा या तो कस्टमर गए होते हैं होटल्स वगैरह गाड़ी छोड़ के, लेकिन हम मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर का रिव्यू रहे, 99% के वीडियो के अंदर आपको रिव्यू मिलेगा, और शायद काम की वजह से, ठीक है, अच्छे मिलते हैं, एक बार फीडबैक लेते हैं। सो फाइनली अपनी MX का काम कंप्लीट हो गया, तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं। मेरा नाम प्रभात वेंचुरकर है, मैं उज्जैन से आया हूँ, ठीक है, भैया तो ऐसे तीन जने हैं, दो जने चले गए होटल में, ठीक है, भैया की गाड़ी कल आ चुकी थी, आज होटल में वो रहे थे, कल नाइट को ही आ गए थे, रात को भैया को रूम दिलवा के अपना रोक दिए थे, सुबह से गाड़ी स्टार्टिंग हुआ था काम होना, और अब जाके एंड हो गया, ठीक है, तो भैया कैसे पता लगा आपको जय ऑटो के बारे में, आपको कैसे पता चला मतलब हमारे दुकान के बारे में? हमने YouTube पे बड़ा पहले सर्च किया, उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे भैया के पास आए हैं, और भैया से पूरा काम करवाया है, और इनकी जो मेन भैया उनसे मेरे को एक हफ्ता से बात भी चल रहा था, गाड़ी लेने से पहले से बात चल रहा था, और जब गाड़ी उठा ली है तो घर निकल से निकलने से पहले मेरे से कॉल पे बात हुआ, तो भैया मैं निकल रहा हूँ, जो भी है सारे सेटअप तैयार रखना है, मैं पहुँच रहा हूँ, तो जैसा वीडियोस में दिखाते हैं वैसे काम मिला? हाँ, जैसा वीडियो में दिखाया था काम मिला, हाँ भैया बिल्कुल वैसा काम मिला है, और उससे अच्छा ही काम मिला है, कोई हमारी तरफ से कोई गलती वलती नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं, मतलब पूरी संतुष्टि है आपको? पूरी संतुष्टि है, सारे पार्ट जेन्युइन महिंद्रा लगा है, जेन्युइन पार्ट है, ठीक है, तो इन फ्यूचर दोबारा मौका मिले विजिट करोगे? हम बिल्कुल करेंगे, और मैं तो ये बोलूंगा कि और लोग आए, इस वीडियो को देख के आए, और यहाँ पे आके एक बार काम करा के देखें, आप खुश हो हमारे तरफ, बिल्कुल एक 10 में से नंबर मांगूंगा, कितने दोगे आप? 10 में से मैं 20 देना चाहूंगा, ठीक है, फुली सैटिस्फाइड है, बट 10 भैया खुश है, इसलिए अपना जो भी, ऐसा तो नहीं भैया हम बुलवा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी बुलवा रहे हैं, ये हम खुद बोल रहे हैं, खुद आके फीडबैक दे रहे हैं, हमारे कस्टमर 10, 20, 10, 12 ऐसे देते हैं, कम बहुत माइनर हो जाता है, कभी 9 आता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग लगता है उन्हें, कि पूरा दिन क्या होता है, कभी कभी गाड़ी 15 आ गया, 20 आ गया,
अब भैया को वादा किया आज का गाड़ी देना होता है, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, बस इस वजह से थोड़ी से कस्टमर है ना हो जाते, बट लास्ट में संतुष्ट हो जाते काम होने। ठीक है, बाकी यही थी अपनी आज की वीडियो। दिलीप भाई क्या कॉस्टिंग बैठ गई इस गाड़ी? बजट की बात करें तो इसमें महिंद्रा जन में 17 इंच हलो है, बाकी और भी सेटअप जितना भी एसेसरीज लेके 182 का इसमें बजट आया। ठीक है, 182 अपना 182 बिल्कुल। ठीक है, उसके अगर आपको ऐसा काम करवाना है, इससे दो चार चीज़ें और भी एक्स्ट्रा हो जाती तो फिर भी बिल्कुल। इसमें दो तीन चीज़ की कमी है, टेलर सिक्वेंशियल, हेडलाइट है, वाइपर। ठीक है, टाइम आएंगे करवाएंगे अपना। ठीक है, तो बाकी यही थी अपनी आज की वीडियो है, होप सो अच्छी लगी होगी। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।